हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कल ही न्यूज आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स जो है वो बैन कर दी है। उनमें जो टिकटॉक और कैम स्कैनर जैसी बड़ी ऐप भी शामिल है। अब बात करूं कैम स्कैनर ऐप की, तो कैम स्कैनर ऐप का यूज काफी एक्सटेंसिवली हो रहा है हमारी डे टू डे लाइफ में। प्राइवेट सेक्टर की तो बात अलग है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी कैम स्कैनर का यूज जो है वो हो रहा है, जैसे बैंकिंग में, फिर बड़े बड़े गवर्नमेंट जो भी ऑफिस है उनमें भी कैम स्कैनर का यूज एज अ डॉक्यूमेंट स्कैनर हो रहा है। वहां डिजिटल प्राइवेसी का इश्यू था, इसी के चलते कैम स्कैनर ऐप को भी बैन कर दिया गया है। फिलहाल ये ऐप अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लेकिन अब हमें इस ऐप का कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव, कोई बेहतर विकल्प ढूंढना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेट, एक अच्छा विकल्प लेके आया हूँ इस कैम स्कैनर ऐप का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, पिछले 5-6 महीने से इस ऐप को मैं यूज कर रहा हूँ। जब से मुझे पता चला कि कैम स्कैनर के साथ कुछ प्राइवेसी इश्यूज है, तब से मैंने कैम स्कैनर को यूज करना छोड़ दिया है और इस ऐप को यूज कर रहा हूँ। इस ऐप का नाम है नोट ब्लॉक। इस ऐप को आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऐप आपको फ्री में अवेलेबल है। इस ऐप की बात करूं तो ये जो ऐप है वो बेसिकली नॉन चाइनीज ऐप है और यहाँ ऑलमोस्ट आपको सारे फ्री में फीचर मिलते हैं। और अच्छी चीज ये है कि इसमें आपको वाटरमार्क नहीं आएगा। जैसे कैम स्कैनर में आप कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हो तो कैम स्कैनर का वाटरमार्क आता है, इस ऐप में आपको वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आपको एड फ्री वर्जन चाहिए इस ऐप का तो आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे एड फ्री वर्जन के लिए, लेकिन बाकी सारी फंक्शनलिटी जो इस ऐप में वो एब्सोल्युटली फ्री है। तो चलिए अब इस ऐप का इंटरफेस देख लेते हैं एक बार, कैसा है ये ऐप और कितना फास्ट और रिलायबल है। अब मैं आ चुका हूँ नोटब्लॉक की ऐप में। जैसा कि आप इंटरफेस देख रहे हो, ये बेसिकली इंटरफेस है ऐप का। यहाँ आपको नीचे 2 बटन मिलेंगे, एक जो है वो कैमरा का बटन, बाजू में है वो गैलरी का बटन, यानी कि आप जो एग्जिस्टिंग फोटोज है उसे भी आप स्कैन कर सकते हो और आप नॉर्मली जैसे कैम स्कैनर में करते आए हो कैमरे से भी आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो। अब यहाँ आपको कुछ पहले सेटिंग्स में दिखा देना चाहूंगा। सेटिंग में जो पहला सेटिंग है वो है यूज इन ऐप कैमरा। इसका मतलब है कि नोटब्लॉक ने खुद ही एक कैमरा का ऐप इनबिल्ट डाला हुआ है इसी ऐप में, तो आप उसी से ही डॉक्यूमेंट को स्कैन कीजिए, उससे आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। और यहाँ से आप इमेज क्वालिटी को भी चेंज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट मीडियम पे है, आप चाहो तो उसे हाई पे कर सकते हो अगर आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो इमेज की। अब यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव सिंक का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हो उसको आपको गूगल ड्राइव पे अपने सिंक करना है तो आप अनेबल ऑटो सिंक कर सकते हो। आप चाहो तो डॉक्यूमेंट में डेट भी ऐड कर सकते हो, यहाँ आपको वेरियस डेट फॉर्मेट दिए गए हैं, और टाइम भी चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, टाइम भी फॉर्मेट आपको यहाँ दिए हुए हैं। और OCR की जो लैंग्वेज है उसे आप इंग्लिश पे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है, बाकी कोई अभी इंडियन लैंग्वेज का सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। अब देखिए, न्यू डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए यहाँ आपको ये कैमरे वाले आइकॉन पे टच करना है। जैसे ही आप कैमरे वाले आइकॉन पे टच करोगे यहाँ आपको एक कैमरा वाला इंटरफेस आ जाएगा। अगर यहाँ ऊपर देखे तो आपको एक टॉर्च का सिंबल दिया गया है, यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट पे फ्लैश डालना चाहते हो तो आप यहाँ टॉर्च को ऑन कर सकते हो। सेटिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ सेटिंग में आपको रेजोल्यूशन सेटिंग दी गई है, जो बाय डिफॉल्ट रेजोल्यूशन है वो 4000x3000 का है यहाँ पे, तो आप उसे चेंज मत करिए। अगर आपको जरूरत है कुछ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन की और यहाँ वो दिया गया है तो उसे आप चूज कर सकते हो। अब यहाँ नीचे आपको एक और ऑप्शन दिया गया है, वो है मल्टीपल पेजेस का, यानी कि आप एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस को स्कैन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के साथ आप वो कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, एक अमेजोन का बिल मैंने यहाँ पे स्कैन किया हुआ है। स्कैन करने के बाद जो क्वालिटी निकल के आती है वो काफी अच्छी निकल के आती है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन भी दिए गए हैं। आप चाहो तो क्रॉप को फिर से एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको नहीं लगता कि ठीक से इमेज नहीं आई है तो आप क्रॉप को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक कैम स्कैनर जिसमें आप करते थे। फिर यहाँ पे आपको इमेज को रोटेट करना है तो भी आप इमेज को रोटेट कर सकते हो। अगर आपको कलर चेंज करनी है, इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना है तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। फिलहाल तो ये जो बिल है वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही है, कोई कलर नहीं। यहाँ ऊपर के जो ऑप्शन है उसमें से आप चेंज कर सकते हो, आपको डॉक्यूमेंट को किस टाइप में रखना है, एज अ फोटो रखना है तो जो फोटो इमेज है वैसे आएगी, एज अ डॉक रखना है तो जो फुल हम स्कैन करते हैं वैसा इमेज आएगा, और नोट ब्लॉक का यहाँ पे एक ऑप्शन है तो वो इमेज को ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देगा। बाय डिफॉल्ट इसे डॉक पे रखिए, वहां आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और सारे सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पे आपको इसे सेव कर लेना है। अब आप चाहो तो इसे शेयर कर सकते हो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, ड्राइव पे, और यहाँ आपको 2 ऑप्शन भी दिए गए हैं। आप चाहो तो PDF में, आप चाहो तो JPEG में इसको शेयर कर सकते हो, और यहाँ से आप फाइल का नाम भी दे सकते हो। अब यहाँ एक और फीचर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस ऐप में आपको OCR का सपोर्ट मिलता है। जैसे ही आप OCR पे क्लिक करोगे, यहाँ जो ये लैंग्वेज है इस डॉक्यूमेंट की वो इंग्लिश है, तो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो डिटेक्ट हो चुका है,
अब ये पूरा टेक्स्ट आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो या तो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको और ऑप्शन दिए गए हैं, आपको डायरेक्टली प्रिंट करना है अपने मोबाइल से तो आप प्रिंट भी कर सकते हो, ईमेल करना है तो ईमेल भी कर सकते हो, और चाहो तो ये जो इमेज आपने ली हुई है उसे आप गैलरी और स्टोरेज पे भी सेव कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा ऑल्टरनेट ऐप है कैम स्कैनर का, आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और स्कैनिंग की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है इस ऐप में और परफॉर्मेंस भी काफी सही और फास्ट है। मेरा नाम करना है और आप सब मेरे मामा की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, नीचे दिख रहा होगा। तो ये था मेरा भांजा दोस्तों, अभी से ये बहुत कुछ करना चाहता है और मुझे उम्मीद है ये बहुत ही जल्दी अपनी गेमिंग चैनल लेके भी आएगा। इसकी उम्र सिर्फ अभी 9 साल की है, तो यार बच्चे की बात सुन लेना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मैं फिर मिलूंगा आपको ऐसे ही कुछ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।